इतना जो है मतदान कल खत्म हुआ है और बीजेपी के लोग जो है भारी डिप्रेशन में है। देखिए अब हर कोई, देश का हर एक युवा, बुजुर्ग, हमारे जितनी माताएं बहनें, सब लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी है तो बेरोजगारी खत्म होना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है, मोदी जी है तो गरीबी मिटाना मुश्किल है, मोदी जी है तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है। तो लोग जो है परेशान है। मोदी जी बिहार आए, कल दो दो सभाएं किया उन्होंने, एक बार भी जो है मोदी जी ने मुद्दे की बात नहीं की। बिहार में 40 में से 39 सांसदों ने जिताया, कोई भी उपलब्धि बिहार के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि 10 साल की उनकी क्या उपलब्धि है, ना ही आने वाले 5 साल का उन्होंने जिक्र किया कि क्या विजन है बिहार के लिए। बिहार के लोग तो प्रधानमंत्री से यही सुनना चाहते थे ना कि भाई आपने 10 साल में क्या किया, और फिर ठीक है आप आए हैं वोट मांगने तो अगले 5 साल के लिए आप बिहार के लिए क्या करेंगे। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोल लिया है 10 सालों में कि अब जनता उनके झूठ पर विश्वास करने वाली नहीं है। 400 पार के नारे नहीं लगे, इसलिए 400 के पार नारे तो आप जान ही रहे, भूल गए, हम तो ट्वीट किए ही थे, तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई दूसरा चरण आते आते ये लोग 400 का जो पार का जो उनका नारा था ये मोदी जी भूल गए। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज में कि 400 का जो फिल्म है इनका पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया और दूसरे फेज में तो ये चढ़ाई नहीं पर्दे पर। तो हम लोग पूरे लोग आश्वस्त हैं कि इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है।